Assalamu alaikum all of you, this is Mature Minds and today is the second video of CSS 2018 vocabulary series iWords Daily. आइए हम अल्फाज की तरफ चलते हैं। अल्फाज पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज की दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इस सीरीज का पहला लफ्ज है अनफेज्ड, जो दूसरा लफ्ज इस सीरीज में आएगा वो है अंडरलाइन, जो थर्ड वर्ड इस सीरीज में बनेगा वो है स्लैक, उसके बाद जो हमारे पास लफ्ज वो है थॉट, और लास्ट में जो हमारे पास वर्ड है वो है टिफ। ये तमाम पांच वर्ड्स इम्पोर्टेंट, आइए इनकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं। पहला वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड जो कि एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेनकाब, खुली किताब की तरह, कुछ लोग कहते हैं खुली किताब की तरह जो चीज हो उसे कहते हैं अनफेज्ड, जिसका कोई भी सीक्रेट ना हो, काम, रिलैक्स्ड, कूल, इजी गोइंग, इसके सिनोनिम है। दूसरा लफ्ज जो हमारे पास है वो है अंडरलिंग। अंडरलिंग से मुराद होता है मातहत, और ये एक नाउन वर्ड है। अंडरलिंग में बॉस एंड सेक्रेटरी में जो सेक्रेटरी होगी वो अंडरलिंग होगी अपने बॉस की, पर्सन लोअर इन रैंक, सबऑर्डिनेट, इंफीरियर, सर्वेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। थर्ड वर्ड जो हमारे पास इस सीरीज में है वो है स्लैक। स्लैक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुस्त। इसमें ऐसी चीजें आएंगी जो बिल्कुल काम करने के काबिल ना हो, काम कर करके उनका सारी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इसका सिनोनिम में लूज, लेजी, रिलैक्स, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट आ जाएंगे। फोर्थ वर्ड जो हमारे पास है वो है थॉट। थॉट आर की साउंड भी इसमें शामिल होगी। थॉट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि नाकाम कर देना, सक्सेसफुली अपोज कर देना किसी चीज को, काम को सिर्फ वो आ देना। इसके सिनोनिम में आ जाएगा प्रिवेंट, अपोज, फ्रस्ट्रेट, ये सारे थॉट के सिनोनिम्स। लास्ट पे जो हमारे पास वर्ड आएगा वो है टिफ। टिफ बेसिकली एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ माइल्ड क्वर्ब, अ प्रिटी क्वर्ब, झगड़ा। इससे मुराद वो झगड़ा है जो दो दोस्त आपस में मुंह बनाते वक्त करते हैं, शिकायत होना, क्वर्ब, आर्गुमेंट, क्लैश, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट। कार्डी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।